फुटवेयर की शॉप पर जाते हैं तो किफायती फुटवेयर खरीदते हैं। अब सोचिए जरा, 600 रुपए का कोई शूज हो तो वो कितने दिन चलेगा, लेकिन 600 रुपए के जूते की ये लड़ाई 11 साल तक चली ग्राहक और दुकानदार में। 600 रुपए के शूज पर ऐसी तकरार हुई कि ये मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंच गया। उसके बाद अपील पर अपील, 11 साल बाद ग्राहक को इंसाफ मिला। आखिर ये जंग है क्या? तकरार की ये कहानी भी गजब है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जूता एक जंग, पैसे दो जूते लो। 600 रुपए का शूज, 11 साल तक लड़ाई। सोल निकला, ग्राहक का माथा ठनका। ग्राहक दुकानदार में तू तू मैं। बालाघाट में इंसाफ की अजब कहानी। पूर्ण न्याय मिला और मैं उस न्याय से बहुत संतुष्ट हूँ। अजब कहानी है जूते की और गजब कहानी है जूते की जंग की। 600 रुपए के जूते के लिए 11 साल तक बालाघाट के शिवराज ठाकरे के अदालत के चक्कर लगाते लगाते चाहे जूते घिस गए हों, लेकिन अपने हक में इंसाफ लेकर ही माने। तो भाई, जूता एक जंग की ये कहानी है क्या? सुनिए इंसाफ की अजब लड़ाई। बालाघाट के शिवराज ठाकरे ने 2013 में सुभाष चौक में फुटवेयर की शॉप से 600 रुपए का जूता खरीदा, लेकिन दो दिन बाद जूते का सोल ही निकल गया। तो जाहिर सी बात थी, किसी का भी माथा ठनकेगा। ये मामला सर 2013 का था। ज्योति फुटवेयर के खिलाफ में मैंने जो है वो उनसे जूता खरीदा था, मैंने सेफ्टी कंपनी का। कितने का खरीदा? 600 रुपए का खरीदा जी। और वो ISO मार्क था उसका, ट्रेडमार्क अच्छी गुणवत्ता का। लेकिन मैंने जब खरीदा उसके दो दिन बाद उसका सोल जो है अलग हो गया। अब ठाकरे साहब सोल निकला जूता लेकर पहुंच गए दुकानदार के पास, लेकिन दुकानदार भी अपने टेंशन में था। शूज बेचते वक्त तो सारे वायदे किए, लेकिन शूज बदलने के वक्त आनाकानी। ऊपर से उसी कंपनी का दूसरा जूता खरीदने और रुपए मांगने लगे। शूज पर तकरार हुई, बात जूते से सीधे फरियादी के सम्मान तक पहुंच गई। दुकानदार ने भी कह दिया, जाओ उपभोक्ता फोरम, जूते ना घिस जाए तो कहना। तो मैं गया दुकान में, अपना पक्ष रखा मैंने कि भाई ये दुकान मतलब जो जूतों में जो प्रॉब्लम आ गया। तो उन्होंने मुझे हरासमेंट किया, परेशान किया कि बोले नहीं, बोले हमारी कोई जवाबदारी नहीं। मैंने कहा भाई इसको ISO जो है ट्रेडमार्क दिया है भारतीय मानक ब्यूरो ने उसका गुणवत्ता के लिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है कंपनी से आप बात करिए। तो नहीं, बोले यदि आप पीस टू पीस यदि एक्शन करते हैं तो उस पर आपको पैसे लगेंगे। मैंने कहा किस बात के पैसे, दो दिन तो हुआ है मैं आपसे जूते खरीदा हूँ। 600 रुपए का जूता, सोचिए जरा कितने दिन चलता। लेकिन 600 रुपए के शूज की जंग उपभोक्ता फोरम में 11 साल चली। बालाघाट उपभोक्ता फोरम में फरियादी शिवराज ठाकरे को 2 महीने की लड़ाई में मामूली मुआवजा मिला। इससे फरियादी नहीं माना, उसने इस प्रकरण की अपील राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल में कर दी। तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम को भी चैलेंज की, बोले ऐसे बहुत ग्राहक आते हैं, बोले उपभोक्ता फोरम क्या कर लेगा, बोले 2000 रुपए लगते हैं, बोले पहले बोले। तो मैंने कहा भाई अब लेन देन की बात रही, आप मेरी औकात पे भी बात कर रहे हैं कि मैं 2000 रुपए खर्च करने लायक नहीं हूँ क्या? मुझे जो है मेरे स्वाभिमान और मेरे आत्मसम्मान को जो है काफी उन्हें जो है चोट पहुँचा है। अब बालाघाट से भोपाल जाने का किराया, ठहरने रुकने में कितना खर्च हुआ होगा, लेकिन फरियादी ने हार नहीं मानी। 600 रुपए जूते की मूल राशि के अलावा 6% वार्षिक ब्याज, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के लिए 1000 और अपील क्षति के लिए 1 रुपए, यानी कुल 3040 रुपए का आदेश पारित हुआ। मुझे भली पैसे कम मिले, देर से मुझे जो है न्याय मिला, लेकिन न्याय मिला। अजब MP में इंसाफ का ये गजब मामला, ये भी तो कह रहा है जागो ग्राहक जागो। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको ऐसे दो वीडियो दिखाएंगे, लाइव वीडियो दिखाएंगे जो होश उड़ाने वाले हैं। CCTV में कैद हुई है गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश की लाइव तस्वीरें। ग्वालियर में ये गुंडागर्दी देख आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों भाई? रूल तोड़ा है तो गलती मानिए
लेकिन यहां तो साहबजादे पर अलग ही रंग चढ़ा है। देखिए, ग्वालियर में गुंडागर्दी लाइव, सड़क पर कोहराम, चेकिंग पर हंगामा, ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद दबंगई लाइव। चौदह सेकंड का ये वीडियो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। तस्वीरों में एक शख्स ट्रैफिक सिपाहियों से हुज्जत करते हुए नजर आ रहा है, दबंगई कर रहा है, यहाँ तक कि उसने ट्रैफिक सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस जब इस बिगड़ैल शहजादे को रोकने की कोशिश करती है तो अगली तस्वीर होश उड़ा देती है। कार सवार रुकता नहीं है बल्कि ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश करता है। वो तो गनीमत थी कि ट्रैफिक सिपाही इस दबंगई का शिकार नहीं हुआ। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके का ये मामला है। बस स्टैंड तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी मेहरा गांव के रहने वाले सुमित यादव की गाड़ी रोकी गई। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, अकड़ भी, दबंगई भी और गुंडागर्दी भी साफ दिखाई दे रही है। ट्रैफिक सिपाही रामदेव शर्मा की वर्दी का हाल भी देखिए। अब माजरा समझिए, दरअसल सुमित की कार में ब्लैक फिल्म लगी थी, उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था। सुमित ने ट्रैफिक रूल तोड़ा और उसके बाद टशन था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चालानी कार्रवाई पर ऐसे भड़का आरोपी। जो चेकिंग होती है रोजाना दिन प्रतिदिन की, उस दिन वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान एक आरक्षक द्वारा एक गाड़ी को रोका गया, गाड़ी नहीं रुकी और जब वो सामने आके रोकने लगा तो वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने लगा। उसको फिर आगे जाकर चेकिंग करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान उस चालक को रोका गया। उसके विरुद्ध फिर शासकीय कार में बाधा डालने और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कायमी की गई है। आरोपी सुमित यादव के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। आरोपी की हथकड़ी में अब हेकड़ी निकल गई है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी पहल की जो काफी सराहनीय है। जी हाँ, रायपुर की केंद्रीय जेल में कैदियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जब कैदी जेल से बाहर निकलें तो एक नई जिंदगी शुरू करें। इसको लेकर जेल प्रशासन की ओर से पहल की गई है। शादी में कैदी बजाएंगे बैंड, जेल में अध्यात्म से जुड़ रहे कैदी। सुंदरकांड और गीता का पाठ, म्यूजिक थेरेपी से आ रहा बदलाव। सही सुना आपने, राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए पुलिस ने नई पहल की है। जेल से बाहर आकर कैदी शादी समेत अन्य कार्यक्रम में बैंड बजाएंगे। बाकायदा इसके लिए पुलिस की ओर से कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि 13 कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कैदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगान में भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही कैदियों को शादी समारोह में भी धुन बजाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जो जेल बैंड 2020 तक जो चालू था, कोविड के बाद से बंद कर दिया गया था, उसे हमने पुनः चालू करने का निर्णय लिया। कहा जा रहा है कि म्यूजिक थेरेपी से कैदियों के जीवन में बदलाव आ रहा है। कैदी अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। जेल की चार दीवारी में रहकर पढ़ाई के साथ साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और गीता का पाठ कर रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा में वे शामिल होंगे। न्यूज 18 के लिए रायपुर से तनु वर्मा की रिपोर्ट। टीचर के
आशिक के गुनाह की है वो कहानी, जिस कत्ल में प्रेमी ने कत्ल वाली रात किसी को सांप की कहानी सुनाई। सांप की कहानी का प्रेमिका के कत्ल से क्या कनेक्शन है, देखिए खुलासा। कार की डिग्गी में महबूबा की लाश। सांप की कहानी, मर्डर कनेक्शन। कत्ल वाली रात, प्रेमी सुनाए सांप की कहानी। कार की डिक्की में महबूबा की लाश। ऐसे उतरी मोहब्बत मौत के घाट। लिव इन पार्टनर का गुनाह। एक कत्ल, छह जिलों से कनेक्शन। टीचर की मर्डर मिस्ट्री, वो कहां है। तारीख थी 1 से 2 अगस्त, जिस रात को बेमेतरा में बहुत कुछ हुआ, जिस रात को इस प्रेमी ने सांप वाली कहानी सुनाई। किसे सुनाई, क्यों सुनाई, ये आपको तफसील से बताएंगे। ये प्रेमी है राम आशीष उपाध्याय। राम आशीष ने जो सांप वाली कहानी सुनाई, उसका कनेक्शन एक कत्ल से है। अब दूसरी तस्वीर, टीचर सपना विश्वकर्मा की, जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। सपना विश्वकर्मा स्कूल से घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन फिर ऐसी गायब हुई कि यह तलाश सपना की लाश पर जाकर खत्म हुई। आखिर टीचर सपना को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, और इस कत्ल का सांप की कहानी से क्या कनेक्शन है, यह भी सुनिए। सपना कवर्धा की रहने वाली थी। सपना और राम आशीष की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। पुलिस की माने तो दोनों लिव इन पार्टनर भी थे, लेकिन प्रेमी आशीष ने अपनी ही मोहब्बत सपना की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस कत्ल का राजदार था मकान मालिक रघुनाथ साहू। सपना और राम आशीष दोनों रघुनाथ के मकान में किराए से रहते थे। वारदात वाले दिन राम आशीष ने प्रेमिका सपना की गला घोंटकर हत्या की। उसके बाद मकान बुलेटिन में